हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मेरे रेडार पे एक ये शेर है जो कि बहुत दिनों से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है वो जनवरी 2019 से ही एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है यहाँ पे। एक बार यहाँ पे ट्राई किया, फर्स्ट टाइम था, नीचे आ गया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया। पिछले सपोर्ट के जो उसका पिछला रेजिस्टेंस था वहाँ से सपोर्ट ले लिया, एंड फिर स्लोली ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर की तरफ जाने के बाद इसने ब्रेकआउट भी दिया है यहाँ पे, लेकिन और क्लोज भी उसके ऊपर ही दिया है, मतलब पिछले रेजिस्टेंस के पास ही दिया है। एंड होपफुली ये जो कैंडल बन रहा है, मंथली कैंडल, ये इस कैंडल, ये जो लाइन है, जो रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। ऐसा टेक्निकल टेक्निकल रिसर्च, टेक्निकल इंडिकेटर ये बोल रहा है। एंड फिर से यहाँ पे देखिए, वीकली चार्ट है, तो ऊपर गया, यहाँ पे ये बायर्स इकट्ठा हो रहे हैं, ये जो दो कैंडल है ये बायर्स इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि अगर इसे क्लोज देना होता तो नीचे क्लोज दे के ये नीचे जा चुका होता, लेकिन ये नीचे गया नहीं है, तो यहाँ पे बायर्स इकट्ठा हो रहे हैं। और ये जो लास्ट वीक का कैंडल है ये ऊपर ही क्लोज दिया है, तो होपफुली ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है वो इस रेजिस्टेंस से बाउंस लेके फिर से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? तो एंड आप वॉल्यूम देखेंगे तो पहले के वॉल्यूम देखिए, ज़्यादा कुछ खास नहीं होते थे, लेकिन अभी के वॉल्यूम देखिए, कुछ महीनों से ये जो वॉल्यूम है मई के और ये जो लास्ट मंथ का वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छी खासी डिलीवरी शेयर में चल रही है अभी। और डेली के कैंडल देखें तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा। ये देखिए, यहाँ पे बढ़िया एक ब्रेकआउट दिया, फिर सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, लेकिन नीचे बहुत क्या नहीं है, पिछले रेजिस्टेंस से ही वो बाउंस बैक किया एंड फिर से ऊपर गया है। देखिए, यहाँ से नीचे आया, फर्स्ट टाइम ऊपर गया, तो फर्स्ट टाइम में बाई नहीं करना चाहिए। सेकेंड टाइम आ रहा है नीचे, और सेकेंड टाइम नीचे आ रहा है, तो होपफुली ये जो लाइन है 48 या 48 के रुपीज़ के आसपास से ये बाउंस बैक करना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर ये 48 रुपीज़ के पास आता है और कोई भी एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम वहाँ पे से बाई कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे रह सकता है, जो कि 45 या 46 रुपीज़ आप रख सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा, वो हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट 68 हो सकता है अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखें, तो मैं तो बोलूँगा इसे शॉर्ट टर्म नहीं, एटलीस्ट इसको आप 95 तक होल्ड कर सकते हैं। और ये अगर ब्रेकआउट देता है तो 95, आई थिंक इसे 2 से 4 महीने में ही दे देना चाहिए 95, क्योंकि बहुत दिन से ये, मतलब 2 साल का ये ब्रेकआउट होगा अगर ये अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है तो। तो ये शेयर आप अपने, इस शेयर पे आप अपनी स्टडी करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए। चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।